हाय गाइज, अभी बज रहा है रात का। एक और एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कल। जो मैंने OLX स्कैम वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें क्लियरली मेरा नंबर दिख रहा है। और आजकल ऐसी गलतियां हो रही हैं मेरे साथ। मतलब कुछ दिन पहले तो मैंने अपने ब्लॉग का सीरियल नंबर ही गलत डाल दिया था, तो अभी मैंने वो ब्लर वाला पार्ट ऐड कर दिया है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन वो पार्ट ब्लर नहीं हुआ है। तो अभी देखता हूँ मैं, थोड़े टाइम तक अगर होता है तो ठीक है, वरना वो ब्लॉग शायद मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। अभी तो आए एक ही साल हुआ मेरे नाम से ही क्यों ये बाबा। नेक्स्ट मॉर्निंग है और लकीली कल रात को मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं करा क्योंकि कल रात तक ब्लर नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैंने मॉर्निंग में उठ के चेक करा तो सब ठीक है, वो पार्ट ब्लर हो गया है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स आए थे कुछ ब्रांड की तरफ से, तो उसके कुछ पिक्चर्स क्लिक करने हैं इंस्टाग्राम के लिए, और साथ ही साथ अपने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने हैं। जो मुझे लग रहा है आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वेदर इतना ख़राब है, लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उफ, फक, मैंने गैस पे कुछ रखा था। निकम्मा। हाय गाइस, ये नेक्स्ट डे है। कल उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, पूरे दिन बारिश हो रही थी। और जो मुंबई का हाल कल था आज भी वही है, पूरी बारिश हो रही है पूरे दिन। और हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, आज जन्माष्टमी है। और भगवान की दुआ से मतलब कल मेरे को सही टाइम पे पता लग गया कि मेरा फ़ोन नंबर दिख रहा है उस वीडियो में, और सही टाइम पे हटा दिया मैंने क्योंकि वो वीडियो ठीक ठाक चल गया है और उसमें ऑलमोस्ट अभी 5,500 के आसपास व्यूज़ हैं। 80 से 90 कॉमेंट्स जो हैं वो सिर्फ विनोद हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि लोगों को मतलब नहीं है वीडियो के बारे में, लेकिन लोगों को सिर्फ विनोद लिखने से मतलब है। और लिटरली कुछ लोग सिर्फ विनोद लिखने के लिए वीडियो पे आ रहे हैं। और कुछ कमेंट्स मतलब मैं आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मतलब लोग पूछ रहे हैं विनोद कौन है। मतलब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विनोद का बाप कौन है। भाई मुझे क्या पता विनोद का बाप कौन है। कंट्रोल उदय। और मतलब यार अगर वेदर का यही हाल रहा तो मतलब मैं शूट कर ही नहीं पाऊंगा। तो आजकल मैं मॉर्निंग में उठती सबसे पहले वेब प्रोटीन ले रहा हूँ, तो पहले वो ले लेते हैं और उसके बाद जो पैकेज आया है ब्रांड की तरफ से उसको ओपन करके देखते हैं कि उसमें क्या है। मजा आया। तो आज हमें न्यूट्रिनिक्स ब्रांड की तरफ से ये ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड वाइटामिन D3 का डाइटरी सप्लीमेंट आया है। और जैसे कि हम लोगों को सभी को स्कूल में पढ़ाया गया है कि जो वाइटामिन डी है वो हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों को स्कूल में ये भी पढ़ाया गया है कि जो सूरज चाचू हैं ये हमारी वाइटामिन D3 की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको जो हमारी वाइटामिन D3 की डेली की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो रिच सोर्सेज हैं वाइटामिन डी के, वो हैं आप फिश ऑयल कंज्यूम कर सकते हो, आप फिश खा सकते हो जैसे टूना हो गई, सालमन हो गई, और कुछ फूड भी हैं जैसे मशरूम्स हो गया। लेकिन सच्चाई ये है मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया में लोग हैं वो डेली बेसिस पे फ़िश ऑयल या फ़िश कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, फ़िश नहीं खा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है, पॉसिबल है ही नहीं कि आप इतने देर सनलाइट में रहो कि जो आपका डेली का जो रिक्वायरमेंट है वाइटामिन डी का वो पूरा हो पाए। वहीं पे काम आता है आपका ये वाइटामिन D3 का सप्लीमेंट। इसमें ऑलमोस्ट 90 कैप्सूल्स हैं जो आपको डेली की 2 कंज्यूम करनी है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 45 डेज चलेगा। और जो आपका डेली का 5000 IU का जो रिक्वायरमेंट है वाइटामिन डी का, ये उसको कम्प्लीट करेगा। और साथ ही साथ ये लैब टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड वाइटामिन D3 का डाइटरी सप्लीमेंट है, तो ये 100% वीगन है। Good job! जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोडक्ट का वो ये है कि अभी जो इसकी MRP है वो ऑलमोस्ट 1225 है, और जो करेंटली आपको इसका प्राइस मिलेगा Amazon पे वो मतलब आप लोगों को शॉक कर देगा, वो है 449। तो मेरे को तो लगता है कि हर किसी को लेनी चाहिए, मैं खुद ले रहा हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हो वहाँ पे जा करके। साथ ही साथ देखो भाई, अब ये नहीं बोलना कि भाई हर वीडियो में, हर दूसरी वीडियो में अनबॉक्सिंग दिखा रहा है, क्योंकि देखो भाई झूठ नहीं बोलूँगा, इस ब्रांड का अभी मेरे को एक और सप्लीमेंट आने वाला है और साथ ही साथ 2 ब्रांड और हैं जिनके पार्सल आने वाले हैं। तो मतलब अब ब्रांड भेज रहे हैं तो अनबॉक्सिंग तो करनी पड़ेगी, दिखाना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जब ये सारे पार्सल्स आएंगे तो मैं एक ही वीडियो में सब कवर कर दूं, ताकि हर वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग ना देखने को मिले। और अगर आप लोगों को मेरे तरह अनबॉक्सिंग पसंद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।
और इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगी और फुल डिटेल रिव्यू होंगे वो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहीं कहीं भी यूजर नेम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आप इस सप्लीमेंट में इंटरेस्टेड हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक मिलेगा, आप लोग जाके देखो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत है इसकी तो ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, और यार हम 1500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, और हम लोग 1.5 लाख व्यूज़ के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार व्यूज़ ही बचे हैं, तो फटाफट से वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।